देखिए 8000, देखिए 8000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है और इसकी क्लच प्लेट वगैरह बिल्कुल खत्म हो चुकी है और 300 किलोमीटर अभी इसकी सर्विस हुई थी भाई ने कहा 300 किलोमीटर ऑयल वगैरह से चेंज किया था। ये मिट्टी देख सकते हैं, ये जो निकला है इंटरसेप्टर में से ये एयर फिल्टर की मिट्टी है, देख सकते हैं। देख सकते हैं देखिए इसमें इतना गंद है देखिए, और ये देखिए, ये देखिए इसमें इतनी मिट्टी जमी पड़ी है पूरा देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की जो वीडियो हमारी है ये इंटरसेप्टर के ऊपर ही है और मेरे पास एक इंटरसेप्टर आई है और वो सर्विस के लिए आई थी। बाइक लेह लद्दाख जा रही है तो भाई ने बोला कि बेसिकली सर्विस के लिए भी नहीं आई थी, भाई ने आए थे ब्रेक पैड चेंज कराने के लिए हमारे पास, खाली अगले पिछले जो ब्रेक पैड है दोनों खत्म हो चुके थे तो लेह लद्दाख जा रहे थे भाई, तो उन्होंने ब्रेक पैड डलवाया, डलवाने के लिए आए हैं हमारे पास। तो भाई बोला कि एक बार चला के भी देख लो, तो जब मैंने इसको चला के देखा और भाई ने 300 किलोमीटर पहले सर्विस कराई, सर्विस सेंटर में 300 किलोमीटर पहले ही सर्विस कराई थी, तो जब चला के देखा तो उसकी जो क्लच प्लेट है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्लच प्लेट में बिल्कुल पावर ही नहीं है बाइक में। और 300 किलोमीटर पहले उन्होंने सर्विस किया आरी वालों ने और क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म पड़ी है, तो बता तो देते भाई क्लच प्लेट ख़त्म ही है। तो मैं ले चलता हूँ, मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ बाइक को, तो मैं पहले आपको वीडियो देखते हैं वाली जो मैंने खोल चुका हूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं और इसमें शॉकर का भी काम है और भी काम है, छोटे छोटे काम है, तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले क्लच प्लेट देखते हैं कैसे ख़त्म हुई है क्या है, तो चलिए आज ले चलते हैं, देखता हूँ आपको मिलते हो वीडियो गाइड में। सो गाइस देखिए ये अपनी बाइक है जिसमें आज हम काम कर रहे हैं और देखिए इसमें एक तो इसकी क्लच प्लेट ख़त्म हो चुकी है देखिए, और देख सकते हैं देखिए इसकी क्लच प्लेट होगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है देख सकते हैं देखिए, देखिए कुछ इस तरीके की हालत हो गई इसकी। 8000 किलोमीटर चली हुई है बाइक, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं देखिए 8000, देखिए 8000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है और इसकी क्लच प्लेट वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और 300 किलोमीटर अभी इसकी सर्विस हुई थी भाई ने कहा 300 किलोमीटर ऑयल वगैरह से चेंज किया था। 300 किलोमीटर चलने के बाद कुछ इस तरीके की हालत हो गई है, देखिए ये अभी हम 71 वाला 100 डाले जो है अपना ऑयल डालेंगे, 1050 ऑयल फिल्टर हो गया, दोनों डिस्पैच चेंज करने हैं, क्लच प्लेटें हो गई अपनी, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट हो गई, डिस्पैच दोनों ख़त्म हो चुके हैं देखिए, जैसे कहते देखिए दोनों ख़त्म है। तो गाइस फटाफट चलिए क्लच प्लेट वगैरह इसके डालते हैं और देखते हैं कैसे कैसे मिलता है, तो सारा कुछ आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, ऑयल फिल्टर वगैरह सब कुछ डालूंगा, तो थोड़ी छोटी सी वीडियो बनाते हैं और देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं देखिए क्लच प्लेट वगैरह फिट हो चुके हैं, नई क्लच प्लेट डाल दिया देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल, और अब फटाफट इसको कवर वगैरह इसको लगाते हैं और फिर आगे देखते हैं, तो चलिए फटाफट लगाते हैं कवर वगैरह, देखता हूँ। तो गाइस देखिए ऑयल वगैरह डाल दिया मैंने, इंजन ऑयल देख सकते हैं देखिए इंजन ऑयल डाल दिया है, क्लच प्लेट डाल दी, ये रही इसकी पुरानी क्लच प्लेट, और देखिए डिस्पैच भी डाल दिया मैंने, पीछे वाला डिस्पैच बिल्कुल खत्म हो चुका था देखिए, ये देखिए दोनों डिस्पैच बिल्कुल खत्म हो चुका है, ब्रेम्बो के ओरिजिनल डिस्पैच डाल दिया जो आरी का है, ऑयल फिल्टर लगा दिया, सनगार्ड वगैरह लगा दिया है, अब एयर फिल्टर निकाला है देखिए, एयर फिल्टर तक बिल्कुल खत्म पड़ा है देख सकते देखिए, ये देखिए एयर फिल्टर बिल्कुल ही खत्म पड़ा है इसका, ये देखिए कैसी मिट्टी निकल रही देख सकते हैं देखिए, और आपको और मिट्टी देखनी है तो ये देख सकते हैं देखिए ये है इस एयर फिल्टर की मिट्टी देख सकते हैं, ये जो निकला है इंटरसेप्टर में से ये एयर फिल्टर की मिट्टी है देख सकते हैं, तो ये भी ख़त्म है, अब इसको भी नया डालेंगे और बाकी अभी डिस्पैच पीछे का डाल दिया देख सकते हैं देखिए, देख सकते हैं देखिए बिल्कुल पीछे डिस्पैच डाल दिया, अब इसके चैन वगैरह सब कुछ चेक करूँगा, तो पहले एयर फिल्टर डाल लेते हैं फिर देखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं देखिए इसमें इतना गंद है देखिए, और ये देखिए इसमें इतनी मिट्टी जमी पड़ी है पूरा देखिए,
पूरी अच्छे तरीके से मिट्टी जमी पड़ी है। अब इसका इंजन हुआ है 300 किलोमीटर पहले, देखिए 300 किलोमीटर पहले इन्होंने इंजन किया है और साफ भी नहीं किया इसको, ऐसे ऐसे फिट कर दिया। तो चलिए फटाफट इसको साफ करते हैं और लगाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल साफ करके क्लीन कर दिया मैंने, देख सकते हैं देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया बिल्कुल अच्छे से। और देखिए ये वाला भी कवर देख लीजिए, देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया अंदर से, देखिए बिल्कुल साफ़ है अंदर से, बाहर से दोनों तरफ से क्लीन कर दिया। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो सर्विस में कर नहीं पाते लोग, और इसको आप कभी सर्विस कराते हैं तो कहीं से भी कराएं इसको खोल के क्लीन जरूर कराएं, चाहे 5000 किलोमीटर की सर्विस कराते हैं चाहे 10000 किलोमीटर कभी भी कराएं, एक टाइम पीरियड बना लीजिए कि 5000 किलोमीटर में इसको क्लीन कराना ही कराना है। और देखिए एक चीज़ इसमें निकल गया, इसका स्टैंड का जो पिन होती है ये भी देखिए निकल चुकी है, बाहर आ चुकी है, देखिए इतना बाहर है। अभी ये थोड़े टाइम और चलता तो स्टैंड निकल जाता बाहर, इसको ठोक के इसका क्वार्टर पिन निकल गया हुआ, टूट गया हुआ। ये बहुत गाड़ियों में दिक्कत आता है जो इसका क्वार्टर पिन टूट जाता है, तो इसकी क्वार्टर पिन लगा देता हूँ और फिर फिट कर देता हूँ। तो चलिए इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। अभी इसका हमारे को आगे का कौन सेट वगैरह का सारा काम है, तो वो भी अभी वो सब भी करूँगा, तो पहले ये सारा काम निपटा लेते हैं, तो चलिए फिट करते हैं फटाफट। सो गाइस देख लेते हैं, देखिए ऑयल कितना ही ज़्यादा गंदा निकला है इसका सॉकर का, और देखिए सॉकर की क्या हालत है, निकाल दिया मैंने ऑयल वगैरह, ये ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा निकला है सॉकर का। देखिए ये डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस वगैरह हो गए। अभी इसको पेट्रोल से क्लीन करूँगा और वॉश करके फिर लगा के लगाऊँगा और दिखाता हूँ। देखिए बाइक कहाँ खुली हुई, देखिए बाइक भी खोल चुकी है पूरी, कौन सेट वगैरह मैंने कर दिया इसका, कौन सेट वगैरह क्लीन करके लगा दिया, कौन सेट सही था तो उसको क्लीन करके लगा दिया, बिल्कुल साफ सही साफ करके अच्छे से लगा दिया। तो फटाफट चले सॉकर रिपेयर करते हैं। और अगला टायर का, टायर की रोटेशन उल्टी थी जो इन्होंने डाला था, तो भी मैंने दे दिया डालने के लिए। तो फटाफट चलिए इसको पेट्रोल से वॉश करके और लगा के फिर देखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं, देखिए बाइक बिल्कुल डन हो चुकी है, सर्विस वगैरह कर दिया, क्लच पेड वगैरह डाल दिया, एयर फिल्टर वगैरह दिखाया मैंने, सारा कुछ दिखा दिया आपको, कौन सेट वगैरह, सॉकर भी हो गया अपना, अगले डिस्पैच भी डल गया नए, टायर वगैरह सब कुछ ठीक है भाई के, अभी नए डलवाए भाई ने टायर वगैरह, बाकी और बाइक ऑलमोस्ट डन हो चुकी है बिल्कुल, अब लेह लद्दाख जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपको दिखाया मैंने यहाँ भी कितना गंद था, ये भी साफ़ कर दिया सारा, चैन वगैरह देखिए सब साफ़ करके लगा दिया है। बाइक की बिल्कुल जो है बिल्कुल चलने में भी अच्छी होगी, मैंने चला के भी देख लिया है, और बाकी भाई को देते हैं बाइक और देखते हैं भाई चला के देखेंगे बताएंगे कैसी लग रही भैया को। बाकी तो मैंने सब कुछ अपने हिसाब से चेक कर लिया है, डिस्चार्ज वगैरह सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने कि कैसे इसकी क्लच पेड खत्म हो गई थी, 8000 किलोमीटर चली हुई बाइक और 300 किलोमीटर पहले सर्विस हुई, और भाई ने बोला भी कि लेह लद्दाख जाऊँगा तो उस हिसाब से चेक कर लेना कि इसमें कोई चीज़ हो, तो क्योंकि जो ब्रेक पैड है उनके आरी में ब्रेक पैड था ही नहीं, तो ब्रेक पैड इसलिए हमारे भाई ने बोला कि हमसे कॉन्टैक्ट किया कि ब्रेक पैड डलवाने ही आए थे बस, और कुछ नहीं था ब्रेक पैड के लिए। जब मैंने चला के देखा काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई, सॉकर की आवाज़ जो है वो ठक ठक वाली आवाज़ थी, उन्होंने बहुत काम करके देख लिया सॉकर पे, उनका आवाज़ ही बंद नहीं हुआ, और मैंने अभी करके दिया भाई को, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी बाइक, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, भाई को चला के दिखा दिया कि भाई कह रहा हाँ बढ़िया चल रही कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैंने कहा एक दिखा देता हूँ आपको भी, ये देखिए 8000 किलोमीटर चली हुई बाइक थी और 300 किलोमीटर पहले सर्विस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि 300 किलोमीटर पहले ही सर्विस हुआ था, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, देख लेते भाई की मतलब। और भाई बोल भी रहा था कि थोड़ा सा पावर कम लग रहा है मुझे, इसका पावर कम लग रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं सही है सही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इंतजार के लिए नए वीडियो से मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।